जो दूसरा मसला है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल में हुई, एक बच्चे का गला काट दिया गया, उसकी लाश मिली और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर शोक की लहर है और हर माता पिता जिसके छोटे बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत आक्रोशित हैं और बहुत पीड़ा में है। लेकिन समझ में नहीं आता कि रायन इंटरनेशनल के साथ इतनी नरमी हरियाणा की बीजेपी सरकार क्यों बरत रही है। यह भी पता चला था कि इस स्कूल ने बीजेपी की सदस्यता बढ़ाओ अभियान में हिस्सा लिया, बीजेपी के लिए वोट दो, यह भी कहा गया। लेकिन अब हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो ये कहते हैं, इस रहस्य का पर्दाफाश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। ये ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्रीमती ईरानी और इस टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2 फरवरी 2017 को, इसी साल याद है, इसमें लिखा हुआ है ग्रेस ऑगस्टीन पिंटो, जो रायन इंटरनेशनल के मालिक की पत्नी है, पूरा एड्रेस इसमें बॉम्बे का लिखा हुआ है, कुलुपवाड़ी रोड नियर नेशनल पार्क बोरीवली ईस्ट मुंबई 1 मुंबई। इनके आगे लिखा हुआ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट की डेट है 2/2/2017, ये डेट है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट है जिसमें मिस ग्रेस पिंटो एज अ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये लिखा हुआ। और इतना ही नहीं, मीडिया में भी इस बारे में खबर है, इन लोगों के गोरख धंधे के बारे में, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये कहती है, सेबी डॉक्यूमेंट्स एक्सेस बाय इंडिया टुडे शो दैट ग्रेस एंड ऑगस्टिन पिंटो द ट्रस्टीज ऑफ द रॉयन इंटरनेशनल ग्रुप मेड मिस्टीरियस विंडफॉल गेन्स आफ्टर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी दैट वॉज फाउंड टू हैव इलीगली मैनिपुलेटेड स्टॉक मार्केट प्राइसेस। यानी इंडिया टुडे ने खबर की है 11 सितंबर 2017, यानी 3 दिन पहले, और अपडेट हुआ है रात को 1:28 पे। ये रिपोर्ट ये कहती है कि रायन इंटरनेशनल स्कूल के ग्रेस और अगस्टिन पिंटो ने रहस्यमय तरीके से स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन हुआ है और उसका जो विंडफॉल गेन है वो उसके दोषी पाए गए, ये सेबी की रिपोर्ट कहती है जिसको इंडिया टुडे ने कोट किया है। सवाल ये है कि जब ऐसे इस तरीके की विवादास्पद पर्सनालिटी के लोगों को बीजेपी की सरकार ने क्यों कॉटन कॉरपोरेशन में उनके डायरेक्टर का पद दिया। और आपको मालूम है कि पिछले साल दिल्ली में भी वसंत कुंड में जो रायन इंटरनेशनल स्कूल है वहां एक बच्चे की रहस्यमय तरीके से लाश मिली थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसकी सीबीआई जांच की के लिए चिट्ठी लिखी थी और तब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था इसकी कोई जरूरत नहीं है और सीबीआई की जांच नहीं हुई थी। तो हमारा सवाल बहुत स्पष्ट है कि एक इस देश के अंदर हर माता पिता आज चिंतित हैं, उनके बच्चे जहां पढ़ने जा रहे हैं उनकी सेहत को लेकर, उनके जीवन को लेकर, और एक ऐसा शख्स जिसके स्कूल में पहले से इस तरीके की घटना हो चुकी है, जिसके बारे में सीबीआई की रिपोर्ट कहती है,
उसको क्यों उपकृत करने का काम किया गया। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब ढीला हवाली की जा रही है, जो दर्शाता है कि बीजेपी की दिलचस्पी ना तो पेरेंट्स के दर्द को लेकर है, ना ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। वो किसी न किसी तरीके से रैन इंटरनेशनल स्कूल को बचाना चाहते हैं। यह हमारा रहस्योद्घाटन है और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी।